उधर सो रही है, बेड रेस्ट ले रही है अभी। कैसा लग रहा है? बोल दो बोल दो। सब्सक्राइब भी मिल गए, फ्रेंड्स भी मिल गए जो हमारी वीडियो देखते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं जी। और अभी तो देखो गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, फिर भी शॉल लेके जा रही हूँ मैं। मतलब देखो हवा चल रही है, पर ये हवा इतनी कोई सर्दी वाली नहीं है। वो क्या है ना, बस बसंत पंचमी आ रही है ना, तो इसीलिए चल रही है बहुत जोर से हवा। और काफ़ी सारे के मव उड़ रहे हैं सरसों के पेड़ों पे से, तो येलो कलर तो अभी उड़ नहीं सकते, तो मैंने निकाला है ये ग्रीन कलर। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी दोस्तों मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि दो तीन बार फोन आ गया है दीपू का, 12 बज गए क्योंकि आज डिस्चार्ज दे देंगे। तो अभी हॉस्पिटल निकलती हूँ, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों व्लॉग में। जाने में भी टाइम लगेगा क्योंकि मैं बस से ही जा रही हूँ, तो यहाँ कोई है नहीं गाड़ी वगैरह, तो जल्दी से निकलते हैं फिर लेके आते हैं बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल को। तो आप लोग व्लॉग के एंड तक बने रहिए दोस्तों। अरे यही रहना बेटा, ध्यान रखना अपना। ओके मम्मा अभी आते हैं अपने छोटे बाबू को लेके, ठीक है? मासी को लेके मत आना, मासी तो आ जाएगी खुद ही, मैं नहीं लाऊंगी मासी को, मैं तो बाबू को लेने जा रही हूँ सिर्फ। इसको ही लगता है कहीं मम्मा उधर रुक नहीं जाए। तो दोस्तों चलती हूँ अभी, बात करते रहेंगे। क्या है ना दोस्तों, मम्मी घी लेके आई थी, तो उसकी डोली है जिसमें दूध देने जाती है, तो मैं क्या उसी को लेके जा रही हूँ। हाँ इसको दे दे, ये पॉलीथीन में नहीं आएगी क्या? हाँ बेटा पी लो, धाप के बेटा। हाँ और दोस्तों फाइनली मेरे को देखो 12:30 बज गए हैं हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। चलते हैं, इधर गेट लॉक कर रखे हैं। ये है गेट नंबर 29 में चौचरी, तो सबने पता लागो वीडियो कर डालूंगी एडिटिंग और करी मत डाली उन मासी पर। ये हमारी मासी है, वो आ गए पर सकल बन दी गई, अब बनाऊंगी। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में, और देखो उधर सो रही है, बेड रेस्ट ले रही है अभी। कैसा लग रहा है? बोल दो बोल दो। अच्छा लग रहा है, अभी घर जाने की इच्छा हो रही है उसकी, आज उसको डिस्चार्ज है, तो ऐसे कह रही है जल्दी से कपड़ों को रख लो फिर चलेंगे। ये मेरी मम्मी बैठी हुई है, वो सारे कैसे जगह से है जो दोस्तों देखो हमारे सब्सक्राइब भी मिल गए, फ्रेंड्स भी मिल गए जो हमारी वीडियो देखते हैं। वो वाली दीदी हमारी वीडियो देखती है, और हमारे उधर के ही है ये, तो यहाँ पे इनके भी डिलीवरी हुई है। देखो काफ़ी सारी डिलीवरी हुई है यहाँ पे, सभी बातें कर लेते हैं हम। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में अंत तक। दीपू जान गई बस, दोस्तों हमारे देख छोटे बाबू से मिलने आए हैं, मुंडा तो खोलता तो जी तो जान लो चोर डर ला करो लो। दोस्तों इधर आ गई है चाय, बाहर से लेके आए चाय। और दीपू अभी खा रही है दोस्तों चाय बिस्किट, रोटी इसको मिलती है नहीं, चाय बिस्किट दलिया वैसे यही मिलता है, तभी इसको खा लेने देती हूँ। आपको पता है ये हंसती ज्यादा है, हंसने लग गई ना इसके लिए, हंसना खराब है, स्माइल चाहिए। खा ले मैं ले रही हूँ, देखो कुछ दवाइयाँ बची हुई है तो दवाइयाँ ले रही हूँ, मैं सब जाने वाली हूँ। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, जब से जा रहे हैं दोस्तों। और ये हमारा बाबू फर्स्ट बार बैठ गया गाड़ी में, रोको
दोस्तों फाइनली मम्मी जा रही है अभी, कौन खाली करी मैं से कौन रहा उन कौन ले जाओ, तो मैं हुंड ले गई छे मेरे तो थोड़ी बादा का काम आ गई मैं आपके पहले डिटेल से मैं रोक दो आई करनी है ये किस मछली के लिए अभी छोटी दूसरा अंदर ले ले खराब मत वो क्या तुम नहीं चलोगे दोस्तों। देखो कैसे सामान बिखरे पड़े हुए हैं और दीपू को इधर मैंने सुला दिया है, हमारा बाबू भी सो गया है और अभी क्या है मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, सबको समेट देती हूँ, जो भी गीले हैं धोने हैं उनको बाहर ले जाती हूँ। और दोस्तों अभी देखो टाइम हो रहा है 12 बज गए भाई, और दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है पर क्या करे, अभी देखो इसको लेके बैठी हुई हूँ मैं, इसको लेके बैठी हुई हूँ इसकी, अरे कानू जो अभी 12 बज रहे हैं अब पूरी रात ये चलेगा इसका। दोस्तों हम जब से हॉस्पिटल से आए थे ना तब से हमारा बेबी है ना मतलब सोए जा रहा था मतलब कोमल में बहुत मिस कर रहे थे मैं, जल्दी से ना इसके साथ खेलेंगे। आर्या भी देखो सोए गया पर ये नहीं जगा नहीं, सोए जा रहा था और अभी तो टीसी बाबू ने पोटी कर दी इसके साथ में उठ गई। अरे कानू, कानू भी अच्छा लगता है दोस्तों मेरे को नाम, कानू किन्नू किट्टू क्या कहूँ तुझे, क्या कहूँ बता। अभी आप लोग वेट कीजिए उसका कि ये क्या है था बेबी गर्ल। अरे क्या है तू है, हमारा घर का छोटा सा सदस्य है और क्या है, सुबह से कहते क्या है बताएंगे, चल 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 सो जाओ सो जाओ मेरी बिट्टी। अभी इधर देखो आर्या सो गया है और अभी है ना टाइम 12 हो रहा है, 12 बज गए, सब सो गए अबे तीन जने सो गए दिन में नोस टाइम पे तो ये सो रही थी या सो रहा था। हाँ पर ना मतलब ऐसे लग रहा है कि सारी रात ही इसको लेके बैठना पड़ेगा, कम से कम है ना 2-3 घंटे तो मेरे को इस बेबी को लेके बैठना पड़ेगा। सो रहा है सर आज के सोते थे अपन ने जब इसके दादाजी कैसे ले जाने देंगे मुझे, इसके दादाजी नहीं खेलेंगे कि इसके चाहते आके खेल, ये आएगा तब खेल लेगा। तो दोस्तों हमें मतलब है ना खाना वाना बनाने लग गई थी आने के बाद में, और टाइम का तो पता ही नहीं चला, शाम को तो खाना वाना से फ्री होके थोड़ा सा दीपू के लिए दलिया वगैरह बनाया, फिर मतलब टाइम है ना ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला, फिर हमें दर्द हो रहा है। दोस्तों मेरी है ना देखो आवाज बहुत अजीब सी आ रही होगी, मतलब है ना कल भी हम बारिश में भीग गई थी आई थी तब तो ऐसे कटबारे हो गए, मतलब जुकाम जैसा लग रहा है, और हॉस्पिटल से आने के बाद में मम्मी को भेजा
तब तक है ना टाइम 5 बज गए थे। फिर खाना बनाया और आज तो डबल डबल खाना बनाया क्योंकि दीपू है ना अब रोटी खाना बंद है दोस्तों इसका, क्योंकि हमारी बेबी के फिर है ना दूध पिएगा तो फिर इसकी प्रॉब्लम होगी, दूध नहीं पिएगा ये, तो इसलिए इसके लिए दलिया बनाया था और हमारे लिए बनाया खाना। तो अभी इसको दूध पिलाया है और यही चलेगा अभी तो, दलिया दूध और कुछ थोड़ा सा हलवा वगैरह बना दे जैसे कि हम का ही, बाकी अभी रोटी नहीं खिलाएंगे। तो ऐसे मगर काफ़ी सारे काम बढ़ गए हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, काम तो बढ़ गए लेकिन है ना घर में एक चेल पेल हो गई दोस्तों, क्योंकि आर्यन से मैंने थोड़ा बड़ा भी हो गया था और वो भी बोरिंग बोरिंग रहने लग गया था। अब बहुत ज़्यादा खुश हम सभी कि हमारे घर में सदस्य आया है एक और, हमारा परिवार बढ़ गया। अरे कानू तो देखते हैं दोस्तों कब तक सोता है, कब तक सोती है ये कानू, सोएगी मेरी बात सुन के ना, घेर आ रही है ऐसे कर रहे ऐसे कर रही है बातें करूं। मैंने क्या है ना इसको ना हॉस्पिटल में है ना मतलब 2-2.5 घंटे तक कोई भी नहीं था वहां पे और दीपू भी थोड़ी सी सो गई थी, उस टाइम पे ना इसको ऐसे खिला लिया ऐसे बस। और मेरे को वहां पे बहुत सारी लेडीज ऐसे बोल रही थी बहन आप इसको ऐसे मत हिलाओ नहीं तो ये ऐसे आदत पड़ जाएगी, अब इसे देखो इसकी ऐसी आदत पड़ गई। तो भाई दोस्तों मैं तो अभी है ना इसको प्यार से ना पूरी रात इसको ये मम्मी ने और है ना इसको गोद में खिला लिया रात को, ये रोए ना उस टाइम पे। तो भाई हमारा बेबी है ना बहुत ज्यादा अब जगाने वाला है हमें, तो देखो रात को हम जागना कर कभी सोते थे आराम से तो काफी अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फीलिंग से। और वो देखो वो घोड़े बेच के सो रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। दीदी को आ रही है नींद खतरनाक वाली, लेकिन क्या करे आप लोग देखते होंगे दोस्तों कभी दीप जाती थी मेरे पास मतलब लेट ब्लॉग बनाने, तो मेरे को ना अब तक तो नींद आ जाती थी, अभी टाइम 12 बज रहे हैं, मैं ना आर्या के साथ साथ ही आर्या से पहले ही सो जाती हूँ, मेरी नींद आ जाती है। अभी तो एक रात की बकाया चल रही है मेरी नींद, जब तक वो पूरी नहीं होगी ना तब तक तो मेरे को नींद आती रहेगी। और ऐसे आप है ना इतने ज्यादा जगे में नहीं थे उस दिन है ना, मेरा पैन स्टार्ट हुआ था उस दिन ही नहीं सोए थे, और मैंने ना 3 रात निकाली है ये मान लो, 3 दिन से मेरे पैन स्टार्ट हो रहा था। और मैं परेशान हो गए घर पे, वो कहते ना जब तुम रहे हो ना हॉस्पिटल में तो तुम तो टाइम ये लगे छे भाई तो टाइम को पता है कौन लगा, रोटी बनाई टाइम हो गो आर्यन ने खिलाई दोस्तों। हम भी है जैसे है ना देखो एक तो हॉस्पिटल हो गया ऐसी जगह में ना टाइम नहीं निकलता मतलब काटे नहीं करता है टाइम, मैं खुद है ना ट्रेन में आती हूँ ना भाई मैं खुद ही जानती हूँ, खासकर मतलब बच्चा होता ना तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। आर्यन एक तो खाना नहीं खाता और उसका बिस्किट खिलाना तो माइंड ऑफ हो जाता है, और ट्रेन में मैं तो रह नहीं सकती। मैं तो सोच लिया चाहे मैं 2 की जगह 4 महीने से आ जाऊँ अगर, फिर मैं आऊंगी फ्लाइट से, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी तार सोवर फ्लाइट में, बस एक दिन में 4 से 4-5 घंटों का होता है आजकल तो ना देखो, उसमें भी 3,000 लेते हैं हम सेकेंड एसी से आते हैं तो सेकेंड एसी में 3,000 रुपये लगते हैं फीस उसका किराया, और फिर उसमें थोड़ा खाना पीना 1,000-1,500 रुपये किराए में ऐसे हुए ना 5-1,000 रुपये लग जाते हैं आने आने के जाने के हो, तो इससे अच्छा तो हम फ्लाइट का करा ले थोड़ा बहुत, तो उसमें टाइम और परेशान भी नहीं होते दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफी महंगा पड़ गया था अभी का तो भाई, 7 के 7 में कराए ना तो वो तो काफी महंगा पड़ा है, लेकिन थोड़ा पहले करा ले जैसे तो फिर वो ठीक रहता है।
मेरी इतनी प्यारी आवाज से तो मेरा बाबू भी सो गई। सो गए बेबी? ठीक है नहीं करूंगी डिस्ट। सोना है भाई इसको, अभी थोड़ी देर सोएगी ना तो हम भी सो जाएंगे दोस्तों। क्या नींद आ रही है, सोए नहीं बिल्कुल भी। फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, काम अब क्या है, थोड़ा टाइम से उठना रहेगा। इसको भी क्या है, फिर भूख लग जाती है ना, दलिया होता है वो 8 बजे के लगभग खा लेती, तो मतलब दलिया तो बिल्कुल हल्का खाना होता है तो भूख लग जाती है। और फिर भूख लगेगी तो फिर इसको भी दूधी नहीं मिलेगी, फिर ये भी रोएगा। तो इसलिए दोस्तों अभी हम सोएंगे, क्योंकि ये सो चुकी है, चुका है, और ये चीख भी रही है, रहा है रही है। सुना होगा ना कौन से टेंस में आता है, तो अभी ये चल रहा है, रहा है रही है। पता मेरी आवाजों से लग रही बहुत भारी आ रही है, पता नहीं कैसी आएगी भाई दोस्तों। बारिश में भीगती हुई आती ये ऐसे करे, मम्मा बहुत तेज सर्दी लग रही है, शॉल उठाते समय में रोने लग गई गाड़ी के ऊपर। भाई छोरो बीमार हो जाओ तो क्या होगा, फिर इनको संभालूंगी किसको संभालूंगी, ये इसका तो मेरे को डर ही लगता है बीमार होने का, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इसके सीधा है ना वोमिटिंग होती है, बुखार होके वोमिटिंग होती है, जो इससे जलती नहीं है। थोड़ा लीवर की प्रॉब्लम भी है शायद दोस्तों, क्योंकि ये ज्यादा बिस्किट वगैरह नहीं खाता है ना, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाता ना, तो इससे जल नहीं पाता है, तो थोड़ा सा भी बुखार होते है वोमिटिंग होती है, और उसमें भूलता है सांस को, तो मेरे को इसको बहुत ज्यादा डर लगता है इसी वजह से। टॉयलेट कर लो तो डायपर लगा कर, फिर बचाई डायपर लगा नीचे, तू गर्मास रही थोड़ी बहुत